देखिए, इस देव संसद में लगभग 200 से भी अधिक देवता ने अपनी शिरकत की और जिन्होंने भी बोला वो बहुत दुखी होकर बोल रहे कि देवताओं के लिए बाड़ लगाया गया, रास्ते बंद किए गए और वो भूमि भी अपवित्र हो गई है। और उसके लिए दो चीज़ें बताई हैं कि पहले तो जो हमारे छिद्रा होता है, कायिका होता है, वो करना पड़ेगा, वो सारे मिलजुल कर उसका खर्चा उठाएंगे। और उसके बाद भगवान के पास यज्ञ हो। अब यज्ञ कहाँ हो ये भगवान पर छोड़ा कि यहाँ करें या पार करें। अगर भगवान पार को कहेंगे तो यज्ञ ढालपुर में होगा। तो जो कुछ देवताओं ने पहले कहा था वो सारी बातें पूर्ण हुई। आप गवाह हैं कि बारिश बोला था, कल रात को भरपूर बारिश हुई और इस जगती में कोई उसका बाधा भी नहीं पड़ी। जगती भी पूर्ण हो गई और देवता भी अच्छे आए और उन्होंने सब कुछ बोला है। और ये भी कहा है कि जो राजनीति को मैं ये देवनीति को मैं लाता है तो वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं, अब इसके बाद तो बैठकर इसका योजना करनी होगी। निश्चित रूप से आने वाले दशहरे से पहले ही ये सब काम पूरे करने हैं।